हेलो गाइज, नमस्कार, वेलकम बैक टू माई चैनल सिटी फर्नीचर। सो गाइज, आज हम बात करेंगे आपको टेंडर बॉक्स के बारे में। टेंडर बॉक्स कैसे फिटिंग किया जाता है, कैसे सेटिंग किया जाता है, तो सबसे पहले आपको हम बेसिक नॉलेज देंगे आज। और टेंडर बॉक्स स्टार्टिंग से कैसे फिटिंग करते हैं वो मैं आपको दूसरा नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल मैं आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। अभी देखिए, सबसे पहले जो तलिया है 16 mm पर रखना चाहिए, यानी 5 सूत का। और ये जो मोड़िया है ये आप 1.5 इंची, 7 सूत, 1 इंची तक का भी रख सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो बार की मोटाई होती है। और ये पीछे का देख पा रहे हैं आप, ये कम से कम 8 इंची का होना चाहिए, ये 8 इंची का होना चाहिए। ये बड़ा साइज है, हालांकि ये ग्रिल वाला है। और जब भी इसकी जो कैबिनेट की जो अंदर की जो भी होती है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का पहले मेजरमेंट ले लें कितना है। लेने के बाद में ये कौन सा कंपनी के पहले देख लें, क्योंकि अलग अलग कंपनियों का अलग अलग जो टेंडर बॉक्स आता है उसका साइज भी अलग अलग होता है। तो अगर हैफले कंपनी का है तो 75 mm यानी 75 mm आप माइनस करके उसके बाद से ये तलिया कटिंग करें। और पीछे का जो बैक्स है वो कम से कम 87 mm यहाँ से ले करके और यहाँ तक का जो भी कैबिनेट का मेजर मिलता है उसमें से 87 mm माइनस करके कटिंग करें। और नीचे का 75 mm, इतना ध्यान रखें अगर हैफले कंपनी का है तो। अगर एप्पो कंपनी का स्लिक का है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो आपका मेजर हो बॉक्स का उसमें से आपको 89 सेंटीमीटर यानी 89 mm कम करना है ये बैक का। और बेस का तो वही रहेगा मेजरमेंट आपको, जो मैंने भी बताया था 75 mm। अगर ये स्लिम है, पतली वाली है, अभी देखिए ये हमारा पतला वाला है, तो इसमें भी लगभग 75 mm का है। ये एक्चुअली ये पतला है लगभग, तो इसमें भी 75 mm का ही आएगा। और एक इससे भी स्लिम है, इसका कुछ साइज अलग आता है। ये देखिए, ये बिल्कुल स्लिम है, तो इसका मेजरमेंट करने का साइज अलग है, इसका अलग आता है साइज। तो इसके हिसाब से आप माइनस कर सकते हैं, इससे कम भी आ सकता है, क्योंकि प्लान में देखना पड़ता है। क्योंकि नई नई कंपनियां जितनी आ रही है टेक्नोलॉजी, वो नए नए मेजरमेंट के साथ आता है, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा अगर ये कंपनी का कोई नकल करेगा तो। और इसका जो मेन काम है ना एडजस्ट करने का, सारा सिस्टम यहाँ से होता है, आप देख पा रहे होंगे एडजस्ट करने का। ये जो सिस्टम आप देख पा रहे हैं, ये सिस्टम कभी आपका ड्रावर ऊपर या नीचे करना हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो है ड्रावर कभी आगे पीछे भगाना हो उसको कर सकते हैं सही। और ये जो ग्रिल का जो सिस्टम है, मान लीजिए आपका जो ड्रावर है, अभी मान लीजिए जो आपका ड्रावर है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ जब भी बंद करते हैं आप, यहाँ पे बंद करते हैं तो यहाँ पे जैसे ये मोड़ टच नहीं हुआ, नीचे को टच है, तो इसके हिसाब से आप यहाँ से आगे पीछे घुमा करके आप मूव कर सकते हैं। मूव करने के बाद में उसके बाद में लास्ट सेटिंग होता है यहाँ पे पीछे साइड में, वो हो जाएगा। फिर उसके बाद से कैप को टाइट कर दें, उसके बाद से ये भी कैप को टाइट कर दें। सब कुछ एडजस्ट करने के बाद में जब आपको बाहर निकालना हो, जब भी आपको बाहर निकालना हो ड्रावर को, तो देख पा रहे होंगे यहाँ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे छोटा सा स्क्रू ड्राइव टाइप का बना हुआ है इस प्लस मार्क में। तो जब भी आप स्क्रू ड्राइवर यहाँ पुश करेंगे तो यही अटका, थोड़ा सा हल्का सा मूव करना पड़ेगा, इसे घुमाना पड़ेगा, तो ये चीज़ बाहर हो जाएगा। सेम उधर का ही बाहर हो सकता है, फिर वापस ऐसा लगा दें। माफ़ कीजिएगा, मेरा कैमरा मैन नहीं है इसके लिए मैं वीडियो सडन से रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ, ना समझा पा रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा।
फिर बाद में इसको ये मजा हालांकि एक हमारे लिए स्मार्ट कंपनी है, और जब भी निकालने का रहे अगर ड्रावर को तो थोड़ा सा ऐसे ऊपर तरफ झटका दें, ऊपर तरफ हल्का सा करके उसके बाद में सीधा ड्रावर खींच लें। जैसे अभी ड्रावर आपने बंद किया, जब भी ड्रावर निकालना हो तो पूरा ड्रावर खींच लें बाहर साइड में, उसके बाद ऊपर साइड में दबाते हुए उसके बाद फिर ड्रावर को सीधे बाहर निकालें, ड्रावर निकल जाएगा। जब डालने का रहा है ड्रावर, वो जितना मैं ड्रावर अंदर पोस किया हूँ उसके हिसाब से आप उसके ग्रिल स्लाइडर के अंदर आप ऐसा रखें, रखने के बाद में फिर इसको पोस कर दें, ऑटोमेटिक चले जाएगा। तो इस तरह से कोई भी आप टंडम बॉक्स को बना सकते हैं, लेकिन ये तो मैंने बेसिक जानकारी दिया आपको, फुल डिटेल में आपके लिए एक और वीडियो बनाऊँगा। तो इस तरह से हमारे चैनल बने रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।